बिंदु बहुत सरल है। आदर्श राजा वो है जिसके तन, मन और आत्मा तीनों दृढ़ हो। तीनों दृढ़ क्यों? यदि राजा तन से दुर्बल हुआ तो ना संभाल पाएगा अपनी सेना को, ना सीमाओं को, और यदि उसका निर्बल और अस्थिर हुआ मन तो पराजित होता रहेगा वो अपनी ही चिंताओं से, और उसकी आत्मा निर्बल हुई तो कैसे सबल करेगा वो अपनी निर्बल प्रजा को। देखो वत्स, नियति तो यही कहती है कि अधिक पाना है, और अधिक पाने के लिए बहुत खतरा उठाना पड़ता है। कुछ लोग खतरा नहीं उठाते, जीवन जैसे चल रहा है बस जीते चले जाते हैं, पर जो प्रगति करना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, जो कुछ उनके पास है उसे दांव पर लगाने से नहीं डरते। संभावना है कि हार जाएं वे, कुछ ना कर पाए वे, पर ये जो कुछ कर दिखाने का प्रयास है यही उन्हें औरों से अलग बनाता है। भले ही वे हार जाएं, पर यह संतोष उनसे कौन छीन सकता है कि उन्होंने कुछ अच्छा कर दिखाने का प्रयास तो किया। वैसे मैं इस चुनौती का निर्णय करता हूं, इसलिए तुम्हें इसमें बेईमानी का कोई भय नहीं होना चाहिए। मैं क्या छीन सकता हूं इससे, ये तो तुमने देख लिया, पर मैं इसे क्या दे सकता हूं ये नहीं देखना चाहोगे? मां से दूरी का दुख सहकर यदि यह तक्षशिला में भावी मगधपति होने की योग्यता प्राप्त कर लेगा तो कितनों के दुख मिटाने वाला बन सकता है ये, कितनों के काम, कितनों का भला, क्या कुछ नहीं कर सकता ये? और फिर अखंड भारत का सम्राट बन गया तो अपने साथ साथ अपनी मां का नाम भी इतिहास में अमर कर देगा। ये सुख भला मिल सकता है हर किसी को? नहीं, पर समय से पहले व्यर्थ काल्पनिक सोच मूर्खता होती है वत्स। अभी इसकी तीसरी परीक्षा हुई कहां है, उसे तो हो जाने दो। गुरुदेव, पता नहीं क्यों मेरा मन कहता है कि ये बालक अवश्य जीतेगा। जब स्वतंत्रता के लिए आत्मा को बेचने का प्रश्न सामने आएगा तब ये क्या करता है देखते हैं। जोश अच्छा है वत्स, किंतु स्मरण रहे, बड़े बड़े योद्धा मात खा जाते हैं जब वो जोश में होश खो बैठते हैं। युद्ध का पहला नियम है अपना युद्ध चुनना सीखो, कब, कहां और किससे। युद्ध नीति कहती है कि वार सदैव अवसर देखकर ही करो। मुक्ति तो शीघ्र ही मिलेगी चंद्रगुप्त, किंतु ध्यान रहे, एकाग्रता बनी रहे। कठिन पथ पर चलने पर कई बार धैर्य टूट जाता है, हृदय विचलित होने लगता है, और कई बार तुम स्वयं से प्रश्न पूछ बैठोगे, पर तुम्हारा ध्यान सदैव लक्ष्य पर बना रहे, फिर वो चाहे तुमसे कितना ही दूर क्यों ना हो। मुझे ध्वनि भेदन सिखा सके? एक मार्ग है, जो कुछ भी तुम सीखो इतना मन लगाकर सीखो कि आधी धीरा तुमसे प्रभावित हो जाए, जिससे संभावना बन सकती है उनके शपथ तोड़कर तुम्हें सिखाने की। ये सब तुम पर निर्भर करता है। यदि तुम एकाग्रचित हो सको, अपने शरीर के साथ साथ अपने मन पर भी अधिकार कर लो, तो एक साधारण शरीर भी असाधारण कार्य कर सकता है। चाहे जितनी पीड़ा हो, यदि तुम्हारा मन
उस पीड़ा को माने ही ना तो। इतिहास में ऐसे कई वीरों के विवरण हैं जिनका सर धड़ से अलग हो गया, किंतु वो युद्ध में लड़ते रहे, रक्त की अंतिम बूंद तक लड़ते रहे। उन योद्धाओं को गौरवान्वित करो, बता दो उन्हें कि अब तुमने संभाला है उनका उत्तरदायित्व। निद्रा भोजन भोग भय, ये नर पशु समान, ज्ञान अधिक इक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। चंद्रगुप्त, पृथ्वी पर कई जीव मनुष्य से अधिक शक्तिशाली थे, गाय बैल शेर हाथी सभी मनुष्य से अधिक बलवान थे, किंतु राज किसने किया पृथ्वी पर? मनुष्य ने। कैसे? बुद्धि से। तुम्हें भी बुद्धि से लड़ने वाला योद्धा बनना है चंद्रगुप्त। यदि तुम अपने लक्ष्य को पूरी एकाग्रता से प्राप्त करना चाहोगे तो आत्मिक बल वो कर दिखाता है कि साधारण लोगों को यह असंभव लगता है। एक महान योद्धा की क्या पहचान होती है चंद्रगुप्त? जो ही वो युद्ध में जीते, विजय उत्सवों में अपना समय गंवाए बिना अगले लक्ष्य को प्राप्त करने की योजनाओं में लग जाए। वीर यात्रा, पिछले 15 वर्षों से आज तक इस यात्रा को कोई पूरा नहीं कर पाया, किंतु तुम्हें यह यात्रा सफलता पूर्वक पूरी करनी है चंद्रगुप्त। इनमें और तुम्हारे कवच में क्या अंतर है? तो फिर इस कवच का और इस वीर यात्रा का कोई महत्व नहीं है आचार्य? मूल्य यात्रा का है, यात्रा में मिली वस्तु का नहीं। मैं कुछ समझा नहीं आचार्य। यही समझाने के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है चंद्रगुप्त। व्यक्ति को जब आगे बढ़ना होता है तो सबसे पहले वो अपना लक्ष्य तय करता है, और जब वो व्यक्ति लक्ष्य की ओर बढ़ता है, राह पर निकल पड़ता है, तो मार्ग उसे सिखाता है, संवारता है, बनाता है, और यही अनुभव उसकी पूंजी होते हैं। मार्ग पर चलकर लक्ष्य तक पहुंचा जाता है, और मिलने वाली वस्तु मात्र सांकेतिक उपलब्धि होती है चंद्रगुप्त। वास्तविक उपलब्धि होती है मार्ग में मिली सीख, राह में आई हर अड़चन को सुलझाते सुलझाते जो वो हो जाता है, वो यात्रा से पहले वाले व्यक्ति से बड़ा व्यक्ति होता है। इसलिए जितनी दुर्गम होगी यात्रा उतना ही निखरेगा व्यक्ति। जैसे विजय यात्रा पर जाने से पहले तुम घबरा रहे थे, तुम्हारे भीतर झिझक थी, तुम्हें नहीं लगता था कि तुम दल का नेतृत्व कर पाओगे, तुम्हें यह भी नहीं लगता था कि तुम हर बाधा को पार कर पाओगे, किंतु तुमने यह सब किया, और जो किया उस उपलब्धि का प्रतीक है यह कवच। किंतु क्या यह कवच तुम्हें अजय बनाएगा? नहीं चंद्रगुप्त, यह कवच एक वस्तु मात्र है। महत्वपूर्ण है इस कवच के पीछे छुपा विश्वास, इस विजय यात्रा से मिला तुम्हारे व्यक्तित्व को निखार, यही बनाएगा तुम्हें अजय। आचार्य, तो क्या अब मैं अपनी मां को छुड़ाने जा सकता हूं? ये कवच एक वस्तु मात्र है,
महत्वपूर्ण है इस कवच के पीछे छुपा विश्वास। इस विजय यात्रा से मिला तुम्हारे व्यक्तित्व को निखार, यही बनाएगा तुम्हें अजय। फिर कवच के लिए जो कथाएं प्रचलित थी वो सारी मिथ्या? किनकी थी वो कथाएं? उन महान योद्धाओं की, जिनकी महानता ने उनके कवच तक को इतिहास बना दिया। तो बड़ा कौन? वो कवच, वो व्यक्ति, या वो योद्धा, या वे कार्य, वे महान युद्ध जिनसे वो इतिहास में अमर हो गए? वो व्यक्ति, वो योद्धा, वो लिख चुके हैं अपना इतिहास। तुम्हें अपना इतिहास अभी लिखना है। जीने की इच्छा ही हमारी शक्ति है। जब जीने की सच्ची चाह मन में हो तब मृत्यु को कठिन ही नहीं असंभव मानो। मात्र जीवन, जीवन और हर मूल्य पर जीवन। यदि मन में इसके अतिरिक्त कुछ ना हो तो दुर्बल से दुर्बल व्यक्ति भी साहसी बन सकता है। तुम ये कह सकते हो कि यह लड़ाई तुम्हारी नहीं है। कौन सी लड़ाई लड़ सकते अपनी या उनकी, जिन्हें तुमसे अपेक्षा है, जो निर्बल है? चंद्रगुप्त, जब व्यक्ति के समक्ष दोराहा आता है, जब एक मार्ग चुनना होता है, तब उसका चुनाव दर्शाता है कि वो क्या है, कैसा है, छोटा है, बड़ा, अपने लिए सोचने वाला है या अपने से पहले औरों के लिए सोचता है। तुम्हारे मन और तुम्हारी आत्मा के चुनाव का है। निर्णय कर कि तुम अपनी मन की सुनोगे या अपनी अंतरात्मा। वैसे भी चंद्रगुप्त, जीवन में जब भी कोई निर्णय एक बार कर लो तो पलट कर मत देखो, क्योंकि पलट पलट कर पीछे देखने वाले इतिहास नहीं बनाते। इन सभी गांव वालों के प्राण जा सकते थे। असफलता से सीखना आवश्यक होता है चंद्रगुप्त। किंतु हर बार त्रुटि नई होनी चाहिए। यदि तुम त्रुटि दोहरा रहे हो तो समझ लो कि कोई चूक अवश्य हो रही है। असफलताओं जीवन में बड़ा महत्व होता है। ये तुम्हें विनम्र बनाती है, शत्रु तक का आदर सिखाती है। बस असफलताओं से सीखने की चाह होनी चाहिए। इस असफलता को भी सीखने का एक और अवसर मानो। इस असफलता से मुझे क्या सीखना चाहिए आचार्य? जब भी कोई योजना बनाओ और यदि वो सफल हो जाए तो क्या उससे बाहर कैसे निकलोगे? इस पक्ष को सदैव याद रखो। नेतृत्व क्या होता है? शत्रु या विपरीत परिस्थितियों के प्रति मन में उनका सम्मान होना। एक अच्छा राजा वो नहीं जो आक्रमण करना जानता है। एक अच्छा राजा वो है जिसे पीछे हटना भी आता है, पुनः संगठित होने के लिए समय जुटाना भी आता है। पीछे हटने में कोई लज्जा नहीं, अगले दिन नए उत्साह से लड़ पाओ। यही तुमने आज किया चंद्रगुप्त। गुरुकुल का हर पाठ होता है पूर्व निर्धारित, हर प्रश्न भी, हर प्रश्न का सही उत्तर भी।
पढ़ाने से पूर्व जानता है गुरु कि उसे क्या पढ़ाना है, और विद्यार्थी के पास हर समय उपलब्ध होते हैं ग्रंथ, किंतु जीवन में कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं होता, न प्रश्न न उत्तर, न सहायता के लिए गुरु न ग्रंथ। जीवन में हर प्रश्न के एक से अधिक संभावित उत्तर, उचित उत्तर चुनना है बिना किसी सहायता के। जब तुम्हारे समक्ष एक से अधिक विकल्प और निर्णय लेना कठिन हो रहा, तो एकाग्रचित होकर ध्यान लगाकर अंतरात्मा को सुनने का प्रयास करो। अंतरात्मा के संकेत नियति को स्वरूप देते हैं। नकारात्मक सोच बुरी होती है बदलकर, यह एक प्रकार की संक्रामक बीमारी होती है जो अपने आसपास सब में निराशावादी दृष्टिकोण ही फैलाती है। इससे बचना चाहिए, सदैव सकारात्मक ही सोचना चाहिए। मैं चाहता हूं सकारात्मक सोच सबसे, योजना मात्र कल्पना भी लगे तब भी उस पर विश्वास करो और उसे सच बना दो। हर बड़े कार्य से पहले उसका सपना देखा जाता है और फिर उसे मूर्त रूप दिया जाता है। मात्र इच्छा शक्ति, बस यही एक मूल मंत्र है हर सफलता के पीछे। इच्छा करो, दृढ़ता से चाहो और फिर उसके लिए मर मिटो। विजय सदा तुम्हारा वरण करे। बच सकते हैं। अति बुद्धिमान क्या होता है? सामान्य बुद्धि चातुर्य से कुछ अधिक। संकट में बुद्धिमान नहीं वो बचेगा जिसमें अनुकूलन की क्षमता अधिक हो, जिसने स्वयं को परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया हो, वही संकट से बच पाएगा। और यही सार्वभौमिक नियम है। यह अवसर है पुनर्जन्म का, देश के हित में क्षात्र धर्म से मर मिटने का अवसर है, ये फिर जीने का अवसर है। ये गौरव जो मिट चुका है देश का, उसे पुनः पाने का अवसर है। ये मातृभूमि को नमन कर सके इस लायक बनने का अवसर है। ये एक नए नव निर्माण का अवसर है। निर्णय आपको लेना है, चाहे तो आप सब अपनी पराजय के साथ जीवन भर सर झुकाकर पशुवत जी सकते हैं, या फिर अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के महाअभियान में मेरा साथ दें। मेरा सदा पराजय की अनित्यता में विश्वास रहा है। अनित्य होती है पराजय। व्यक्ति चाहे तो फिर से प्रयास कर सकता है विजय के लिए। जब वो मन से पराजय को स्वीकार करता है तब वो होता है पराजित। कई बार मन से पराजय को स्वीकार करने वालों, हार से हताश होने वालों, इस बात का पता ही नहीं होता कि जब उन्होंने साहस छोड़ा तब वो विजय के कितने निकट थे। हर पराजय विजय यात्रा के मार्ग में आने वाली एक अनुभव मात्र होती है, ऐसा अनुभव जो हमें कुछ और सिखाता है, हमारी कमियां हमें बताता है, हमें विजय के और निकट ले जाता है। इसलिए यवनों से मिली पराजय को भुला दीजिए,
आइए मिलकर एक बार फिर हम सब एक और प्रयास करते हैं। मिलकर किया हुआ प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। मिलकर आज हम अपना, अपने देश का एक नया इतिहास रच सकते हैं, एक नया समाज गढ़ सकते हैं, नियति के लिखे तक को बदल सकते हैं। आज हमारे समक्ष जो अवसर है, ऐसा अवसर भाग्यशालियों को ही मिलता है। अपनी मातृभूमि को विदेशी आक्रमणकारियों से मुक्त करवाने का अवसर, अपने ऋण से उऋण होने का अवसर, अपने राष्ट्र के नव निर्माण का अवसर, अपने गौरव को पुनः प्राप्त करने का अवसर, अपनी मातृभूमि के लिए मर मिट जाने का अवसर। तो आइए अपनी मां की लाज बचाएं, मिलकर इन विदेशियों को मार भगाएं। निर्णय आपको लेना है। योजना में मात्र लक्ष्य निर्धारण महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण होता है वो प्रयास जिससे लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। चिंतित ना हो, 99% यही संभावना है कि महाराज पुरु और कैलिस्थनीज दोनों असफल ही होंगे। इसीलिए एक और वैकल्पिक योजना है मेरे पास। क्रोध के उन्माद में नहीं होता है समस्या का निदान, किंतु शांत चित्त हर समस्या का हल ढूंढ सकता है। एक बात सदैव स्मरण रखना चंद्रगुप्त, कोई भी नियति जनित समस्या मानवीय क्षमताओं से बड़ी नहीं है। समस्या मात्र इतनी सी है कि अधिकतर लोग कठिनाइयों को केवल देखते रह जाते हैं, किंतु कुछ लोग कठिनाइयों के बीच रहकर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। इतिहास में केवल उन्हीं का नाम लिखा जाता है जो विषम से विषम परिस्थितियों में रहकर भी अपने लक्ष्य को दृष्टि में रखकर दैनिक समस्याओं में बिना उलझे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को समूल सुलझा लेते हैं। इतिहास साक्षी है चंद्र का, महान वही बन पाया है जिसने अपनी कठिनाइयों को आगे बढ़ने का अवसर बना लिया, जिसने अपनी कमियों को निर्बलता नहीं अपनी शक्ति बना लिया। असंभव दिखने वाला निर्णय होता क्या है? एक ऐसा कठिन निर्णय जो लिया जा सकता है, इसलिए चाहे जितना संभव लगे निर्णय लो, क्योंकि समस्या को अनिर्णय से खींचोगे तो समस्या तुम्हें खा जाएगी। निर्णय लेने में साहस करो, फिर देखो इतिहास तुम्हारा नाम कैसे अमर बना देता है। एक सरल नियम है चंद्रगुप्त, समस्या तुम्हें समाप्त करे उससे पहले समस्या को समाप्त कर दो, जड़ से मिटा दो ताकि वो अपना सर ही ना उठाए, सबसे बड़ा शस्त्र मनुष्य की बुद्धि और उसका विवेक होता है। एक बुद्धिमान योद्धा अपने बुद्धि चातुर्य और विवेक से किसी भी युद्ध में विजयी हो सकता है। फिर परिस्थितियां चाहे कितनी ही विषम क्यों ना हो, शासन के लिए सभी मनमाने अधिकारों का केंद्र नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे विचार से राजा को एक निश्चित समय के लिए शासन मिलना चाहिए, जीवन भर के लिए नहीं।
लिए एक राजा को, अपने लिए, अपने परिवार, अपने वंश की महिमा के लिए या अपने साम्राज्य की मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए समय नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि यदि राजा प्रजा की भलाई के लिए कार्य नहीं कर रहा है, प्रजा के जीवन स्तर के विकास के लिए कार्य नहीं कर रहा है, तो प्रजा के लिए क्या उपयोगिता है उसकी? मैंने तुमसे कहा था ना कि चाणक्य बहुत गुणी है। एक राजा का शासन तभी तक तर्कसंगत है जब तक वो प्रजा के हित में है, अन्यथा उसका कोई अर्थ नहीं, कोई औचित्य नहीं। तो फिर आपके विचार से एक राजा की सही भूमिका क्या होनी चाहिए? एक राजा को सबसे पहले अपनी प्रजा के लिए सुशासन स्थापित करना चाहिए। एक मूल मंत्र है, मूल मंत्र बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। किसी भी योद्धा के लिए युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र होता है गति। किसी भी योद्धा के लिए युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र होता है गति। शत्रु की शिथिलता का अपनी गति से लाभ उठाओ, अनपेक्षित शैली अपनाओ, उसके असुरक्षित भाग पर आक्रमण करो। आमने सामने के युद्ध में शत्रु की गति को पहले समझो और फिर चौंकाने वाली गति से उसे पराजित कर दो। कुछ महत्वपूर्ण बातें और, परिस्थितियों के अनुकूल शीघ्रता से ढल जाओ, यही विजय की कुंजी है। और युद्ध में मृत्यु के लिए सदा तैयार रहो। जिस घड़ी तुम्हें लगे कि अब कोई मार्ग नहीं बचा, उस समय उनका स्मरण करो जिनके लिए तुम जी रहे हो। नहीं पाता, मैं जब भी कोई योजना बनाता हूं तो उसकी सफलता को लेकर संशय मेरे मन में भी रहते हैं। मैं योजना की परिकल्पना को अनुभव और अंतर्दृष्टि के साथ सोचे समझे संभावित संकटों का ध्यान रखते हुए कार्य में लाने का प्रयास करता हूं, किंतु कार्य की सफलता योजना, भाग्य और अंतरात्मा के स्वर के मिले जुले असर से तय होती है। कार्य की सफलता में इन तीनों की बराबर की भूमिका होती है। सफलता के लिए अर्जुन की तरह हो पाना उचित रहता है, मात्र लक्ष्य की ओर दृष्टि और कहीं नहीं। तो मैं सचमुच आपकी सहायता कर पाऊंगा? एक शिक्षक का महत्व तो समझ नहीं पा रहे, तो इस अभियान में क्या सहायता करोगे मेरी? माना कि एक साहसी योद्धा एक युद्ध जीत कर दिखा सकता है, किंतु एक शिक्षक किसी साधारण जन को उस युद्ध को जीतने के योग्य बना सकता है। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए चुनौती उस युद्ध के लिए अच्छे योद्धाओं को ढूंढने में नहीं, चुनौती है साधारण जन को युद्ध का कारण बताकर उन्हें असाधारण बनाने में, जो एक शिक्षक ही कर सकता है। तुमसे बिना कोई मूल्य लिए एक सीख देता हूं, जिसकी मुझे लगता है आवश्यकता भी है तुम्हें। अपने विचारों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी वाणी बनेंगे। अपनी वाणी को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारा कर्म बनेगी। अपने कर्मों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी आदत बनेंगे। अपनी आदतों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारा चरित्र बनेगी। और अपने चरित्र को वश में रखो, क्योंकि इसी से तुम्हारा भाग्य बनेगा। और सुखदा उन्हें कैसे जगाया जाए आचार्य? एक निराशावादी को हर अवसर में कठिनाई दिख जाती, और एक आशावादी को हर कठिनाई में एक अवसर दिख जाता। भाग्य के सभी अवसर हमारी आत्मा में सुषुप्त अवस्था में होते हैं। तुम्हें बस उचित समय की प्रतीक्षा करनी है। मैं किसी युद्ध में उलझना नहीं चाहता, किंतु मगध जैसे साम्राज्य में यदि हम उनसे बिना लड़े अपने आप को बचा नहीं पाए,
ऐसे में मगध से सीधे युद्ध के अतिरिक्त हमारे समक्ष और कोई विकल्प नहीं बचता। इस युद्ध का सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ी समस्या है हमारे अंदर बैठा भय, अज्ञात से भय जो अतार्किक है, क्योंकि अज्ञात जैसी बात होती ही नहीं है। बातें मात्र कुछ समय के लिए हमसे छिपी हुई हो सकती हैं, कुछ समय के लिए हो सकता है कि हम उन्हें समझ न पाए, तो इससे भय क्यों पाले मन? ये तो संकेत है इस बार कि चलो शत्रु के सामर्थ्य के बारे में और जान, और जान, और जान। अपने हर संचय, हर दुविधा को एक और रखो, चलो कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत, किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे, जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल पाएंगे। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो, बस तुम्हें मात्र अपने कर्म करने, पुरस्कृत करने का कार्य नियति का है, करेगी। अच्छे कर्म अच्छे ही फल लाते हैं। मैं गाथा सुनाता हूं, एक बार मार्ग में एक विषैला बिच्छू देखा जो नदी के पानी में डूब रहा था। ब्राह्मण उसे बचाने के लिए पानी से बाहर निकाल लेता है, बिच्छू उसे डंक मार देता है। ब्राह्मण को पीड़ा से तड़प उस बिच्छू को छोड़ना पड़ता है जो पानी में फिर से जाता है। उसे मरता देख ब्राह्मण उसे पानी से बाहर निकाल लेता है, बिच्छू फिर से उसे डंक मार देता है। ब्राह्मण के निकट खड़े शिष्य ने विस्मित होकर उससे पूछा, गुरुवर आप इतने ज्ञानी हैं, ये जानते हुए कि बिच्छू की प्रवृत्ति डंक मारने की है, आप उससे खेल रहे हैं? ब्राह्मण कहा, मैं उसे मरने से बचा रहा हूं। शिष्य ने फिर कहा, किंतु वो एक बिच्छू है, वो आपको फिर भी डंक ही मारेगा। तब ब्राह्मण ने कहा, यदि वो एक बिच्छू होकर अपनी डंक मारने की प्रवृत्ति नहीं छोड़ सकता, तो मैं एक मानव उसे बचाने की प्रवृत्ति कैसे छोड़ सकता हूं? आचार्य आप सदैव यूं खुले में साथ साथ पैदल घूमने को इतना महत्व क्यों देते हैं? पृथ्वी आकाश वन मैदान झील नदियां पहाड़ और सागर, ये सब हमारे श्रेष्ठ शिक्षक होते हैं, हमें इनसे पुस्तकों से भी अधिक सीखने को मिलता है। बस हमें सचेत होकर इनके बीच घूमने की आवश्यकता होती है। दूसरे सब जब युद्ध में आकंठ डूबे हो, तब तुम्हारा अपने वातावरण को लेकर ज्ञान तुम्हें ऐसे अस्त्र शस्त्र प्रस्तुत कर सकता है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। और जब तुम बचने के लिए छटपटाते हो, तब तुम्हारा ये प्रकृति का ज्ञान तुम्हारा रक्षक बन जाता है। मैं कुछ समझा नहीं आचार्य। पेड़ों को जानकर हम धैर्य का अर्थ समझते हैं, घास को जानकर हम बने रहने का हट समझ पाते हैं। प्रकृति में हर वस्तु के होने का एक अनूठा कारण होता है। यदि तुम इन सब की विशेषताओं को जानते हो, तो तुम सदैव शत्रु से एक हाथ आगे रहते हो। पसीने की एक बूंद बहुत सा व्यर्थ का रक्तपात बचा सकती है। कोई भी बड़ा कार्य करने के लिए
मात्र उचित योजना ही आवश्यक नहीं, उस योजना में संपूर्ण आस्था की भी आवश्यकता होती है। योजना यदि अच्छी है तो उस अभियान को पूरा करने वाले निर्णय भी अच्छे होंगे। इसलिए गुणीजन कह गए, अच्छी योजनाएं असंभव दिखने वाले स्वप्नों को भी जीवंत बना सकती। विजय के लिए जीतने की मात्र इच्छा पर्याप्त नहीं होती, विजय के लिए की गई तैयारी अधिक महत्वपूर्ण होती है। विजय यूं ही कैसे मिल जाएगी? विजयी तो हर कोई होना चाहता है। किंतु विजयी होने के लिए हर कोई समुचित तैयारियां नहीं करता। जीतने के लिए की गई तैयारियां जीतने की इच्छा शक्ति को और दृढ़ करती है। एक बार युद्ध आरंभ हो गया तो जीतने के लिए तैयारियों का समय बीत जाता है। चलते युद्ध में आप युद्ध करेंगे या उसे जीतने के लिए आवश्यक तैयारी? युद्ध के लिए की गई तैयारियों का अंतिम चरण मात्र होता है, जिसका निर्णय उसके लिए की गई तैयारियों द्वारा ही निर्धारित होता है। इसलिए विजय के लिए आवश्यक है विजय के लिए की गई तैयारियां। एक बार जीतने के लिए ढंग से तैयारियां कर ली तो फिर विजय निर्विवाद हो जाती है। युद्धों के निर्णय सैनिकों की संख्या से नहीं निकलते, यदि तुम अपने शत्रु को जानते हो तुम स्वयं को जानते हो तो तुम्हें 100 युद्धों के परिणामों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। किंतु यदि तुम ना तो स्वयं को जानते हो ना ही अपने शत्रु को तो तुम्हें विजय के साथ पराजय के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। और यदि तुम स्वयं को भी नहीं जानते शत्रु को भी नहीं जानते तो तुम्हें हर युद्ध में पराजय का मुख देखना पड़ेगा। तुम्हें समझदारी ज्ञान में नहीं कल्पनाशीलता में होती है, और आज के युद्ध का भविष्य मैं अपने शिष्य की कल्पना पर छोड़ता हूं। डूबते हुए बेड़े से जीवित कैसे बचकर निकला जाए किसी चूहे को सिखाना नहीं पड़ता। विजयश्री उन्हीं का वर्णन करती है जो कोई भी मूल्य चुकाने के लिए सदैव तत्पर हो। इसीलिए एक अच्छे योद्धा का आकलन बहुत सरल होता है, उसे किसी भी विपरीत परिस्थिति में छोड़ दो, वो वहां से विजेता बनकर ही लौटेगा, जो मेरा शिष्य करेगा। आज अखंड भारत का निर्माण करना है, कई योजनाएं बनानी है। जल गया ना हाथ? कैसा मूर्ख है तू, इतनी सी साधारण बात भी नहीं समझता। तरकारी का पात्र गरम है तो किनारे किनारे से खा, अब तो बीच में हाथ डाल देगा तो हाथ तो जलेगा ना मूर्ख। साधु, ऐसी व्यवहारिक शिक्षा पुस्तकों से नहीं एक मां से ही मिल सकती है। अब समझ आई मुझे मेरी भूल, सीधे पाटलिपुत्र में हाथ डाल दिया, हाथ तो जलना ही था, पहले आसपास परिधि के क्षेत्रों में डालना चाहिए था हाथ। किंतु हम अपनी असफलताओं से सीखेंगे, पहले पाटलिपुत्र के बाहर छोटे छोटे राज्यों को बनाएंगे अपना लक्ष्य, फिर एक चक्रव्यूह बना घेरेंगे उसे, फिर अंत में करेंगे पाटलिपुत्र पर आक्रमण, पहले परिधि फिर के। एक राजा को सदैव बुद्धि से शासक और मन से
साधारण प्रजा का हितैषी बने रहना चाहिए। राजा वो व्यक्ति होता है जिसे बहुजन के हित में सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए चुना जाता है। प्रजा ही अपने लिए एक राजा को चुनती है, इसलिए एक सच्चा राजा वो होता है जो अपनी प्रजा के हितों के उत्तरदायित्व का वहन करता है। उसके लिए प्रजा की सेवा और सम्मान उसके जीवन से अधिक प्रिय होते हैं। उसके लिए कठिन और अपेक्षित कार्य अपनी साधारण प्रजा में से किसी सर्वश्रेष्ठ को चुनना नहीं, अपितु उन साधारण व्यक्तियों में से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बनाना होता है। एक राजा के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है पूरे देश को सफलता और समृद्धि के महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए न केवल उन्हें प्रेरित करें, अपितु प्रजा के लिए ही उन्हें प्राप्त करके भी दिखाए। एक राजा को उसकी सेना अमर नहीं बनाती और ना ही उसका धन वैभव, उसे अमर बनाते हैं उसके बनाए हुए मित्र, उसके किए हुए भले कार्य, उसकी अर्जित की हुई सद्भावना और सत्यनिष्ठा। एक योग्य राजा कभी अपने शत्रुओं से नहीं डरता, अपितु शत्रु स्वयं एक राजा से डरते हैं। और एक कुशल राजा वो है जो इसी डर का अपने लाभ के लिए प्रयोग करने में सक्षम होता है। और बुद्धिमान राजा वो है जो राजा का कर्तव्य निभाते हुए भी ये कभी नहीं भूलता कि वो एक साधारण व्यक्ति ही है, जैसा कि प्रजा में एक साधारण व्यक्ति होता है। ये व्यवस्था ही है जो किसी को राजा तो किसी को प्रजा बनाती है। और ये व्यवस्था कई छोटे छोटे साधारण जनों से बनती है, इसलिए राजा जो करे जो सोचे तो साधारण जनों के हित में, प्रजा का विश्वास और समर्थन एक साधारण राजा को असाधारण शक्तिशाली और लोकप्रिय राजा बनाता है। और जब भी राज सिंहासन पर बैठो एक बात सदैव याद रखो, जब तक बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाली नीति पर नहीं चलोगे सिंहासन पर बने नहीं रह पाओगे। राज सिंहासन की शक्ति लोक हित में छिपी है, अन्याय और भ्रष्टाचार पर टिका राज्य नहीं चल सकता। वचन देता हूं आचार्य, मैं सदैव आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करता रहूंगा। हमारा कार्य हो जाएगा। हर महान जीत के मूल में होता है लगातार सचेत रहना, हर संभावित समस्या का पहले से आकलन कर पाना। उन्हें समय रहते समझकर नए नए हल ढूंढना, सब कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान से पूरा करने पर निर्भर करता है। आचार्य साधारण सी भूल कर सकती है सारा अभियान चौपट, इसलिए तुम नायक अपने उत्तरदायित्व से कभी मुंह नहीं मोड़ता। जैसे सफलता का सारा श्रेय अभियान के नायक को जाता है, वैसे ही एक सच्चे नायक को असफलता का सारा श्रेय अपने सर लेकर ये मानना चाहिए कि उससे भूल हुई है, त्रुटियां हुई है। जिस नायक में अपनी पराजय स्वीकार करने का साहस नहीं है उसे नायक कहलाने का कोई अधिकार नहीं। सफलता घेरे तुझे।
मार्ग हो अवरुद्ध, पास ना हो धन तेरे, और काम हो अपार, भाग मत 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 कर प्रयास। चाहे तू हंस दो किंतु आंखें हो नम हो नम हो नम हो नम भाग मार्ग मार्ग कर प्रयास 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 रात ही दिन निकलेगा फिर सूरज दूर क्षितिज पार भाग मार्ग मार्ग विष्णु को पीड़ा ही सुख सुखी है पीड़ा जीत ही है हार। भाग मत कर प्रयास भाग मत कर प्रयास भाग मत कर प्रयास भाग मत। हार ही जीत है, जीत ही है हार। भाग मत कर प्रयास कर प्रयास तमेव तमेव बंधु सखा तमेव